सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एकादशी को तुलसी तोड़ सकते हैं एवं तुलसी दल खा सकते हैं या नहीं? रुचि जी हैं दिल्ली से, आपका प्रश्न है। एकादशी को तुलसी दल तोड़ सकते हैं तो किस दिन नहीं तोड़ते? द्वादशी को नहीं तोड़ते, रविवार को नहीं तोड़ते, लेकिन शालिग्राम जी के लिए रविवार को भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन द्वादशी को तो नहीं तोड़ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, शालिग्राम जी के लिए हम रविवार को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना शालिग्राम जी की बात आई है, जो श्री विग्रह है उनके लिए नहीं, और आप चाय में डालना चाहेंगे तो नहीं तोड़ सकते, दोष है। और अपने लिए औषधि के रूप में तो आप जो है संक्रांत को नहीं तोड़ सकते, पूर्णिमा को नहीं, चौदस को नहीं, अमावस को नहीं, ये मना किया गया, लेकिन शालिग्राम के लिए द्वादशी को छोड़कर हर रोज तुलसी जी ले सकते हैं, केवल शालिग्राम जी के लिए छूट है, और जय खा भी सकते हैं आप। लेकिन दांत इसलिए नहीं लगाते, शास्त्रों में कहा है कि तुलसी को शस्त्र नहीं लगाना चाहिए, तो कई लोग दांतों को भी शस्त्र मानते हैं, इसलिए नहीं। बाकी सच बात है कि इसलिए तुलसी दांतों से नहीं चबाते, क्योंकि इसमें जो है मरकरी होता है जो दांतों में रोग का कारण बन जाता है, पारा होता है, तुलसी जी के दलों में पारा होता है जो दांत में रिएक्शन करता है, इसलिए यदि आप चबा गए तुलसी को जल्दी से पानी घूट कर कुल्ला करके अंदर कर लो, जिससे कि तुलसी दल दांतों में लगा ना रहे, उससे बीमारी हो सकती है, पारा दांतों में रिएक्शन करता है जो तुलसी में विशेष होता है, और तुलसी का रिएक्शन दूध के साथ भी होता है, इसलिए दूध में दूध का भोग लगाएं, थोड़ा सा तुलसी डालना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुलसी जो दूध में रिएक्शन होता है जो बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा नीम पूरा करने के लिए तुलसी डालना।